अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो गई, तकरीबन कोई 4-5 महीनों के बाद। आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर करना है। आज से तकरीबन 6 महीने पहले मेरा वेट तकरीबन 103 किलो था और आज मेरा वेट सिर्फ 85 किलोग्राम है। मैं 4-5 वीडियो बनाऊँगा ब्रेकफास्ट के हवाले से। आज पहली वीडियो है, तो जो मेरा पहला जो आज का ब्रेकफास्ट है उसके अंदर होंगे तकरीबन 6 आइटम्स। पहली चीज़ होगी ओट्स, दूसरी चीज़ है पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, किशमिश, इसके अलावा खजूर और बादाम। अब इसको किस तरीके से लेना है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ और जो आखिर में हम यूज़ करेंगे वो है सिनेमन पाउडर। सबसे पहले हम बात करते हैं ओट्स की। ओट को हम उर्दू में जौ बोलते हैं। इसके तकरीबन भी 8-10 फायदे हैं। सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो आपको ये एनर्जी देता है। अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो दिन भर आपका जो है वो एक लाइट, अच्छा, एनर्जेटिक गुजरता है। इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि आपकी वेट लॉस में हेल्प करता है। थर्ड जो इसका फ़ायदा है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। चौथा जो इसका फ़ायदा है, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है इन अ सेंस कि अल्लाह ना करे आपको कोई बीमारी होती है, नज़ला, खांसी, बुखार, तो आपकी इम्यूनिटी उस बीमारी से लड़ती है। इसका जो पाँचवा फ़ायदा है वो ये है कि आपकी ये बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। छठा जो इसका फायदा है वो ये है कि आपको ये हेयर फॉल रोकता है। सातवां जो इसका फायदा है कि आपकी बॉडी से एंटीऑक्सीडेंट्स को रिलीज करता है। आठवां जो इसका फायदा है वो ये है कि आपको ये डायबिटिक होने से बचाता है। और इसका जो आखिरी फायदा है वो ये है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको ये बड़ा कंट्रोल में रखता है। ओट्स के अंदर जो हम सेकेंड चीज शामिल करेंगे वो है पम्पकिन सीड्स। इसको हम उर्दू में कहते हैं कद्दू के बीज। इसके 5 जो फायदे हैं वो ये है कि सबसे अच्छा इसका पहला फायदा है वो ये है कि ये आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। सेकंड, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। थर्ड, आपकी जो ये आई साइट के लिए बहुत अच्छा है। फोर्थ, आपकी इम्यूनिटी को बड़ा डेवलप करता है, बड़ा बूस्ट करता है, सेम एज ओट्स की तरह। और जो 5वां इसका फायदा है वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। थर्ड नंबर पर है चिया सीड्स। चिया सीड्स को हम उर्दू में कहते हैं तुफ़लाना। इसके भी कोई 5-6 फायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि गुड सोर्स ऑफ फाइबर है। सेकंड थिंग ये कि ये आप इसके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड ये है कि ये आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। फोर्थ ये है कि आपके ये बोन्स और अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है। हमारे लोग जब तकरीबन कोई 40-50-55 क्रॉस कर जाते हैं तो उनकी बोन्स में, जॉइंट्स में दर्द होता है, तो ये उसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद हम ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और हम जो 5वीं चीज़ की बात करेंगे, ये आपके नेल्स, टीथ, दांतों के लिए, हेयर के लिए और स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और जो आखिरी चीज़ जो ये आपका स्टैमिना बूस्ट करता है, अगर आप स्पोर्ट्स मैन हैं, अगर आप फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं तो आपके स्टैमिना को बहुत डेवलप करता है और इसको बूस्ट करता है। चौथी चीज़ जो हम शामिल करेंगे वो है रेजन्स। रेजन्स को उर्दू में हम कहते हैं किशमिश। इसको सबसे जो पहला फ़ायदा वो ये है कि आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, मतलब आपका हाजमा जो है, आपके हाजमे को ये इम्प्रूव करता है। और जो सेकंड जो इसका बेनिफिट है वो ये आपको आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। थर्ड जो ये आपकी ये सेक्स लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जो भी हमारे मैरिड हजरात हैं, जो भी शादीशुदा लोग हैं, उनको अगर अल्लाह ना करे सेक्स की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, ये सेक्स की आपकी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव करता है। चौथा जो इसका फ़ायदा है वो आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा है। और इसका 5वां फ़ायदा है वो ये है कि आपको ये जब आप खाना खा लेते हैं आपके पेट में ब्लोटिंग हो जाती है या गैस बन जाती है, उसमें ये बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आलमंड्स की। आलमंड्स जिसको हम उर्दू में बादाम बोलते हैं। बादाम के फायदे तो आप सबको पता ही होंगे, कितने फ़ायदे हैं माशाल्लाह। बादाम बेसिकली खाना सुन्नत भी है। इसके बहुत सारे फ़ायदों में से जो चंद फ़ायदे मैं आपको गिनवाता हूँ, ये है कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, ये कैंसर से बचाता है। इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी काफ़ी रिसर्च करी इसके बारे में, तो मुझे पता लगा कि कैंसर के लिए बहुत अच्छा है। चौथे नंबर पे ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है। और इसके बाद ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और ये फुल ऑफ प्रोटीन होता है। और ये इसके बाद जो है ये फुल ऑफ विटामिन ई है, मिनरल्स हैं। सेकेंड लास्ट नंबर पर हम बात करेंगे डेट्स की, यानी कि खजूर। खजूर तो माशाल्लाह आप सबको ही पता है इसको कितने फ़ायदे हैं। मतलब अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊँ तो मेरा सारा दिन गुजर जाएगा। मगर कुछ तो सबसे जो मैंने जो पॉइंट आउट किए हैं फ़ायदे, वो फ़ायदे उसके ये हैं कि सबसे जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि ये फुल ऑफ फाइबर है, फुल ऑफ एनर्जी है। मतलब इसके अंदर इतनी एनर्जी है माशाल्लाह, अगर आप दिन में 2-3 भी डेट्स खा लें तो आपका दिन पूरा एक बड़ा एनर्जेटिक और ज़बरदस्त दिन गुजरेगा।
थर्ड नंबर पे जो ये आपका नर्व सिस्टम को कंट्रोल में रखता है, आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, बोन्स के लिए अच्छा है, एनर्जी बूस्टर है, और थर्ड जो है स्ट्रोक के लिए, ये आपको स्ट्रोक के जो चांसेस होते हैं उसको बड़ा रिड्यूस करता है। स्ट्रोक मतलब इसको आप उर्दू में कह लें कि फालिज। बाकी जो है इसकी जो मकदार है हम वो लेंगे सिर्फ दो। अगर आप शुगर पेशेंट हैं, अगर आपको डायबिटिक है तो आप इसको ना लें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा, सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये आपके वेट लॉस यानी आपका वज़न कम करने में हेल्प करता है। आपके दांतों के दर्द के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। आपकी शुगर डायबिटिक टाइप 2 जिनको होती है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपके हाजमे के लिए अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, और एक चीज़ और, ये आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, आपकी याददाश्त जिसे हम कहते हैं उर्दू में। और लास्ट जो चीज़ है उसकी ये है कि आपकी ये फुल ऑफ फाइबर, आयरन एंड कैल्शियम है। और मैं लास्ट में आपसे बात करूंगा इनकी क्वांटिटी की। तो जैसे मैं लूंगा, जैसे आप इसको कहते हैं टेबल स्पून, तो मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो लूंगा ओट्स, और तकरीबन जो है वो 2 डेट्स, 5 बादाम, तकरीबन 5 किशमिश, थोड़े से पम्पकिन सीड्स, ज़्यादा नहीं, थोड़े से बिल्कुल, तकरीबन समझ 10 पम्पकिन सीड्स, और थोड़े से ही चिया सीड्स। और कुछ लोग जो है इसको दूध में बनाते हैं, मगर मैं प्रेफर करूँगा पानी में बनाना। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसको आप पानी में बनाएं, और अगर आप चाहते हैं कि वेट गेन करना या फिर आप चाहते हैं आपका वेट मेंटेन रहे तो आप इसको दूध में ही बना सकते हैं। मगर दूध में श्योर अब दूध आपको जो है स्किम या सेमी स्किम रहे। और जब ये पूरा बन जाएगा, जब इसमें उबाल आ जाएगा, जब आप ये खाने के काबिल हो जाएगा, तो आप इसके अंदर ऊपर से सिनेमन पाउडर डालकर इसको आप खा सकते हैं। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरी पहली वीडियो थी ब्रेकफास्ट के हवाले से। इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं ब्रेकफास्ट के हवाले से, तो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी शेयर करूँगा बहुत जल्दी आपके साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।